हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल विच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट नंबर, हीट ऑफ नंबर और मूविंग बाउंड्री मेथड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ट्रांसपोर्ट नंबर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द करेंट कैरिड बाई एनायंस एंड कैटायंस and the amount carried by each is proportional to its speed. If U and V represent the speed of migration of the cations and anion, then this term U upon U plus V represent the fraction of current carried by the cation, because the speed of cation is U and V upon U plus V represent the fraction of current carried by the anion and is called the transport number or heat off number. It is denoted by symbol like T plus and T minus. Hence, transport number of cation represented by T plus and defined as current carried by cation upon total current. That is transport number of cation T plus equal U upon U plus V. Similarly, transport number of cation, this is at transport number of anion is given by T minus equal V upon U plus V. And the fraction of total current carried by the ions is directly proportional to their velocity. और दोनों का सम T प्लस एंड T माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर को हम डिटर्माइन कर सकते हैं दो मेथड के द्वारा। पहला मेथड है हीट ऑफ मेथड और दूसरा है मूविंग बाउंड्री मेथड। पहले हम हीट ऑफ मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद मूविंग बाउंड्री मेथड। Relative speed of ions during electrolysis. Let us consider an electrolytic vessel containing two metal electrodes A and B, A anode and B cathode. The vessel is divided into three compartment, AC, this is AC, CD and DB, term as anodic, central and cathodic compartment respectively. तो एनोडिक पार्ट को, एनोड के तरफ के पार्ट को हम एनोडिक कंपार्टमेंट बोलते हैं, कैथोड के पार्ट तरफ के पार्ट को कैथोडिक कंपार्टमेंट बोलते हैं और इस बीच वाले पार्ट को सेंट्रल कंपार्टमेंट बोलते हैं। कैटायन के तरफ मूव करने वाले, कैथोड की तरफ मूव करने वाले आयंस को कैटायन कहते हैं और एनोड की तरफ मूव करने वाले आयंस को एनायन कहते हैं। यहाँ जो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैटायन है और जो रेड में प्लस है वो कैटायंस है और ब्लू कलर जो दिख रहा है वो एनायंस है जो एनोड की तरफ मूव करेंगे। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे। बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस द पोजिशन ऑफ द सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट इन द डायग्राम। तो इलेक्ट्रोलिसिस से पहले ये डायग्राम शो कर रहा है जो फर्स्ट है, ये वाला। इलेक्ट्रोलिसिस से पहले यानी कोई भी हम आयनाइजेशन नहीं किए हैं तो सारे कैटायन एनायन अपनी जगह पे हैं, किसी का ट्रांसफ़र नहीं है। नाउ suppose that on applying potential only two of cation only two of cations move towards the cathode. This condition will be as represented in the diagram second. Two cations are moved
दो कैटायन मीन्स दो रेड बबल्स, जब इधर की तरफ मूव करेंगे तो दो एनायन को, जो ब्लू वाले दो हैं उनको डिस्चार्ज कर देगा, जो यहाँ पे हैं ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो कितने अनपेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड दो, दो आयन से यहाँ दिख रहे हैं अनपेयर्ड, ये तुरंत ये डिस्चार्ज हो जाएंगे इस कैथोड के ऊपर। और इधर के साइड में जब दो इधर चले गए, यहाँ वाले, यहाँ के दो केटायन कैथोड की तरफ चले गए और डिस्चार्ज हो गए, तो यहाँ के जो बचे हुए एनायंस हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे एनोड की तरफ। देयर विल बी ऑल्सो टू अनपेयर्ड एनायन लेफ्ट इन द एनोडिक कंपार्टमेंट। एज अनपेयर्ड आयंस ऑलवेज गेट डिस्चार्जेस एज द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, टू केटायंस विल बी डिस्चार्ज एट द कैथोड एंड टू एनायंस विल बी डिस्चार्ज एट द एनोड। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ भी दो दो केटायन डिस्चार्ज हो रहे हैं कैथोड की तरफ और इधर दो एनायन डिस्चार्ज हो रहे हैं एनोड की तरफ। नाउ सपोज दैट इफ टू केटायंस मूव टूवर्ड्स द कैथोड एंड टू एनायंस मूव टूवर्ड्स द एनोड इन द सेम टाइम एज रिप्रेजेंट बाई थर्ड। Now four cations and four anions will be discharged at the respective electrode. This is four. Here is also four. Four cations are discharged through cathode and four anion discharged through anode. Similarly, if cations and anions moves with different velocities, so that two cations move towards the cathode and the three anion moves towards the anode, in this case five unpaired cations and five unpaired anions will be discharged at respective electrode at as shown in diagram 4. Yeah. Five cation और इधर five anion। तो हम ये देख रहे हैं कि एनायन और केटायन की डिस्चार्जिंग सेम ही है, चाहे केवल केटायन कैथोड की तरफ जा रहा हो या दो केटायन दो एनायन कैथोड और एनोड की तरफ जा रहे हो, या अगर किसी केटायन या एनायन की स्पीड ज़्यादा हो, तब भी हम देख रहे हैं जो डिस्चार्ज है वो सेम है, सेम नंबर ऑफ आयंस डिस्चार्ज हो रहे हैं कैथोड या एनोड दोनों पर। दस Even if only cations are moving, the same number of cations and anions will be discharged at the respective electrode. Clear? If only first case, if only cations are moving, the same number of cations and anions will be discharged. हिटॉफ्स रूल। हिटॉफ्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक रूल दिया ट्रांसपोर्ट नंबर को फाइंड करने के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द लॉस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट अराउंड एनी इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयंस मूविंग अवे फ्रॉम इट। इलेक्ट्रॉन द लॉस ऑफ अमाउंट द लॉस इन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अराउंड एनी इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द आयंस मूविंग अवे फ्रॉम इट। दैट इज कैटायन मूविंग अवे फ्रॉम कैथोड, एनायन मूव्स फ्रॉम कैथोड एंड कैटायन मूव्स फ्रॉम एनोड। तो एक फॉर्मूला है ये, loss around cathode upon loss around anode equal to speed upon speed of anion upon speed of cation, that is V upon U, adding one both side, one plus we get this, taking the reciprocal we get, so this term is known as the transport number of cation.
Hitoff method experimental procedure. Hitoff's operators consist of a two-limbed vessel connected by a narrow U-tube in the middle, as is shown here. Two-limbed vessel, this part is going to be represent the central part. This is the central part. Both limbs as well as U-tube are provided with stop cocks at the bottom for the withdraw of the solution. This is U shaped, and from here we can withdraw the solution. The two limbs are provided with a platinum electrode. To determine the transport number of Ag plus in AgNO3, the electrodes are either of PT or pure Ag. हमें ट्रांसपोर्ट नंबर पता करना है Ag प्लस का. यहाँ से जिस भी सोल्यूशन का हमें निकालना होगा उसको हम यहाँ रखेंगे और Ag प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर हमें निकालना है. द ऑपरेटर्स इज फिल्ड विथ ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ AgNO3, यूजुअली 0.1 नॉर्मलिटी का, एंड द सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट लाइक बैटरी. So this is a anode compartment, anode, cathode compartment, और ये central. कुछ इस तरह. इस part को हम cathodic compartment बोलते हैं. ये cathodic compartment, central compartment और anode compartment. इसी चीज को वहां एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया है. Hitoff method. After the electrolysis, the solutions from anodic as well as central compartments are withdrawn separately by opening stop cocks at the bottom and analyzed by titration with standard standard thiocyanate NH4CNS solution. The change in amount of electrolyte in the anodic compartment is thus obtained. तब हमें इलेक्ट्रोलाइट में चेंज कितना हुआ एनोडिक कंपार्टमेंट में वो प्राप्त होता है. The amount of solution withdrawn from anode for analysis include all the solution whose composition has changed. This can be checked by withdrawing a further portion of solution from the anode limb and finding whether it has the same composition as the original solution or not. तो हम ये पाते हैं कि वो हमेशा सेम ही रहता है. सोल्यूशन लेफ्ट आफ्टर विड्रॉल फ्रॉम इट मस्ट बी स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन. जितना हमने शुरू में लिया था उतना ही बाद में रहता है. द मूविंग बाउंड्री मेथड. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. The conductivity cell in this method consists of a vertical tube filled with cadmium chloride and hydrochloric acid. HCl is the principal electrolyte and CdCl2SO4 is the indicator electrolyte to enable the formation of a boundary. So, indicator can इसलिए use होता है कि वो boundary को indicate करेगा. ये बाउंड्री HCl
जैसे अभी HCl की बाउंड्री AA डैश है, HCl की बाउंड्री AA डैश जो शिफ्ट होके इलेक्ट्रोलिसिस के बाद BB डैश पे पहुंच जाता है, और उसे हम मानते हैं कि वो X है। द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशंस आर सो एडजस्टेड दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्लोट्स ओवर कैडमियम क्लोराइड बिकॉज HCl इज लाइटर दैन कैडमियम क्लोराइड सोल्यूशन। चूँकि HCl लाइटर होती है कैडमियम क्लोराइड सोल्यूशन से, इसलिए HCl को हमेशा हम ऊपर की तरफ रखते हैं। ए शार्प बाउंड्री अपीयर्स बिटवीन द टू सोल्यूशन, यहाँ पे AA डैश। द सेलेक्शन ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट इज डन केयरफुली सो दैट इट्स कैटायन डू नॉट मूव फास्टर दैन द कैटायन हुज ट्रांसपोर्ट नंबर इज टू बी डिटरमाइंड। तो सेलेक्शन हम इंडिकेटर का कुछ इस तरह से लेते हैं कि उसका कैटायन, जिस कैटायन का हमें ट्रांसपोर्ट नंबर पता करना है, उससे तेज मूव ना करे, एंड इट शुड हैव द सेम एनायन एज द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट, और उसका एनायन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट के आयन कि जैसा ही होना चाहिए। जैसे HCl में Cl एनायन है और CdCl2 में भी Cl एनायन है। इट शुड बी द सेम एनायन एज द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट। कैडमियम क्लोराइड फुलफिल बोथ द रिक्वायरमेंट्स। The mobility of cadmium ions is less than that of the hydrogen ion and it has a common anion with hydrochloric acid. The anode is a stick of cadmium metal inserted at the bottom while the cathode at the top is a platinum foil. Anode is a stick of cadmium metal or cathode प्लेटिनम फॉयल का है। यहाँ पे इधर की तरफ हमने एनोड लिया है और इधर कैथोड है। तो एनोड हमारा कैडमियम का स्टिक यूज होता है और कैथोड प्लेटिनम फॉयल का। व्हेन ए स्मॉल करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू द कंडक्टिविटी सेल द एनायंस दैट इज क्लोराइड आयन moves towards the anode while the cation ions move towards the cathode. The boundary separating the two solution also moves upward because the H plus is moving faster than the cadmium. The boundary separating the two solutions also moves upward, and if the boundary moves through a distance L centimeter, this is AA dash to BB dash x distance L centimeter, then the volume of the liquid that has moved up is LA centimeter square. Let the concentration of the acid be C gram equivalent per liter, then the transport of gram equivalent of H plus ions carried towards the cathode LAC upon 1000 is equal to. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि समझ में आया होगा। हमने पहले थ्योरेटिकल दिखाया था, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल पार्ट। थ्योरी हम यहाँ से दिखाते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर को, ये, और इसी का एक्सपेरिमेंटल पार्ट था यहाँ पे, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो आई होप कि आज की वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।